सुजालपुर में परशुराम सेना ने SDM प्रकाश कासबे को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया है। कार्यकर्ताओं ने ज्योतिष मुहूर्त की आलोचना करने पर बाबा रामदेव उर्फ रामकिशन यादव पर मामला दर्ज करने की मांग की है। ब्राह्मण समाज युवा शाखा अध्यक्ष पार्षद प्रवीण जोशी ने ज्ञापन का वाचन किया। उन्होंने कहा कि बाबा रामदेव ने जिस तरह एलोपैथी पर दिया गया अपना बयान वापस ले लिया, उसी तरह ज्योतिष के ऊपर दिए गए बयान को भी उन्हें वापस लेना चाहिए। परशुराम सेना प्रमुख प्रबंध समिति सदस्य ओम पंचोली ने कहा कि बाबा रामदेव की ब्राह्मण समाज इज्जत करता है क्योंकि वह योग आयुर्वेद से जुड़े हैं, लेकिन अब बाबा ने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। जिला अध्यक्ष अनिल पाठक ने कार्यवाही की मांग की है। आदर्श न्यूज के लिए पत्रकार दिलीप महेश्वरी की रिपोर्ट। किशन जी यादव, जिनको सभी रामदेव बाबा के नाम से जानते हैं, उनकी ब्राह्मण समाज और ब्राह्मण समाज ने खड़ा करने में बहुत बड़ा योगदान भी दिया है, और ब्राह्मण समाज उनकी योग और आयुर्वेद की वजह से इज्जत करता है। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि वो धर्म की अपने हिसाब से व्याख्या करेंगे। वेदों में वर्णित ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष का आप अपमान कर रहे हैं, मुहूर्त को गलत बता रहे हैं, और इसके पहले भी रामदेव जी शनिदेव के बारे में बोल चुके हैं। शनिदेव के बारे में रामदेव जी का बयान है कि ये काले पत्थर की मूर्ति क्या बिगाड़ लेगी, मेरा कुछ बिगाड़ सकती है बता। इस तरह से मूर्ति पूजा का भी अपमान रामदेव जी के द्वारा पहले भी किया गया है। रामदेव जी ने पहले ब्राह्मणों का अपमान किया, एक सीरियल आया था रामदेव।